और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं जी राजस्थान की खास पेशकश बहस बीच बाजार और ऐसे में मैं दोनों जनप्रतिनिधियों से सवाल करूं लेकिन उससे पहले मैं अपनी सहयोगी से ये कहना चाहूंगी कि वो जनता के बीच में जाएं और जनता से लॉ एंड ऑर्डर की बात जो यहाँ पर निकली है महिलाओं की नागौर में क्या स्थिति है उसको लेकर बात करें बिल्कुल देखिए कि जनता यहाँ पर काफी उत्साहित है लेकिन देखिये हमारे साथ जो बीजेपी की जनप्रतिनिधि मौजूद है उन्होंने अभी राजेश पायलट का जिक्र किया था तो शायद वो सचिन पायलट कहना चाह रहे हो आप क्या कहना चाहते हैं पांच साल का विकास कहाँ देख रहे हैं पाँच साल में विकास में तो क्या है कि जो यहाँ रिपीट करके ये विधायक बनाते हैं ना वो विधायक लायक होते भी नहीं है एक विधायक ही उनको कुछ ही दे देते दे हैं इसलिए वो होना नहीं है और राज का सिस्टम होता है वो कांग्रेस का देता सुंदर सिस्टम है जिसको कोई चैलेंज पूरे भारत में नहीं कर सकता चलिए देखिए यहाँ से जो सवाल आ रहे थे मैं इन सवालों का जवाब लेना चाहूँगी देखिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी भाई साहब ने कहा कि ये बीजेपी वाले विधायक बनाते हैं विधायक बीजेपी वाले नहीं बनाते विधायक जनता बनाती है बीस साल से इस नागौर की सीट पे भाजपा जीतती आ रही है न कोई जातिवाद है न कोई धर्म की बात है यहाँ पे ब्राह्मण भी जीता है यहाँ पे राजपूत भी जीता है यहाँ पे मुसलमान भी जीता और इस बार जाट भी जीता है बात करते हैं विकास की कोर्ट की भी बात चली थी नागौर कोर्ट के बाहर एक महीने तक वकीलों का धरना रहा क्या किया सरकार ने क्या, क्या किया इन कांग्रेस के नेताओं ने कॉलेज के आगे विद्यार्थियों का धरना रहा मांग क्या थी उनकी सारे शंकाय होने चाहिए पीजी होनी चाहिए कुछ भी नहीं हुआ पुराना हॉस्पिटल नया इन्होंने बनाया नया हॉस्पिटल बना था ट्रोमा सेंटर के लिए क्योंकि नागौर में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता था तो पेशेंट को भेजते थे सीधा जोधपुर और वो रास्ते में दम तोड़ देता था तो इन्हीं की सरकार ने घोषणा करी थी कि नागौर ज़िले में दो ट्रोमा सेंटर बनेंगे एक नागौर में एक लाडनू में जो नई बिल्डिंग बनाई ट्रोमा सेंटर के लिए बनी थी सारी यूनिटें वहाँ होनी चाहिए थी सर सभी फैसिलिटी सभी मशीनें सभी उपकरण होने चाहिए थे सारा स्टाफ होना चाहिए था हुआ क्या पुराना जो हॉस्पिटल था उसको बंद कर दिया उसको वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया अब शहर की जनता ने दो तीन बार बड़े बड़े आंदोलन किए इस पुराने हॉस्पिटल को चालू करने के लिए जो नहीं हो रहा है पीने के पानी की जो समस्या थी इन्होंने कहा न वसुंधरा जी ने क्या किया हम फ्लोराइड का पानी पीते थे खारा पानी पीते थे सात सात दिन से पानी आता था एक घंटे के लिए पानी की समस्या ये भारतीय जनता चलिए मैं एक, एक सवाल करना चाहती आपसे बिल्कुल हाँ। देखिए बहुत लोगों के सवाल हैं एक एक करके सवाल लेने हैं हाँ। ये अभी भाई साहब ने कहा क्या रोजगार के लिए अमित शाह ने कह दिया ना भकोटे बेचो ये इनको रोजगार देने का क्या अडानी का तो तेल वापरो और हम अंबानी की गैस वापरो ये आप करो आगे रोजगार आपको नहीं मिलेगा दूसरा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कह रहे थे किसानों के लिए उन्होंने 2000 यूनिट बिजली फ्री की और कि जो लंपी में गाय मरती थी उनके लिए चालीस हजार रुपये बीमा किया और आज जो है मोदी सरकार जो पाँच किलो गेहूँ फ्री देती थी उन्होंने बंद कर दिया आज अशोक गिला गेहलो दे रहे हैं लोगों के जो हमारे माइनॉरिटी जाते थे स्कॉलरशिप उसको मोदी सरकार ने बंद कर दी अब ये युवा को क्या रोजगार देंगे यह तो अपनी जेब बनने में है आपने जो माल बेचो रेलवे को ठेके में दो अपनी जेबें भरो और कुछ काम नहीं है इनके पास गरीबों के लिए हमारा मुद्दा ये मैडम के जैसे ये बार बार कह रहे हैं राजस्थान सरकार ने क्या किया राजस्थान सरकार ने गरीब आदमी को इलाज फ्री कर दिया 25 लाख तक का जो भविष्य में कोई सोच भी नहीं सकता है कि 25 लाख का इलाज करवा सकते हैं और युवाओं को रोजगार की बात है साढ़े चार हजार रुपये हर युवा को भत्ता दिया जाता है हर महीना जिसमें मेरा लड़का खुद उस भत्ता को उठाता है कैसे वो नहीं दिया, हर एक बार देता था और इन्होंने बीजेपी तो साल कहते हैं बीजेपी देश आजाद हुआ देश आजाद नहीं होता नौ साल में देश को बेचा है ये फलानी चीज बेच दो वो बेच दो शायद अब कुछ बच्चा हो सकता है नेताओं को बेचना शुरू कर देंगे अभी चलिए आपका मुद्दा क्या रहने वाला है बीजेपी वाले बोल रहे हैं आयुष्मान योजना तो यहाँ तो हमारे चिरंजीवी 25 लाख की ऑलरेडी है यार राजस्थान में जो कहीं नहीं है और मेरे तो मेरे तो काम पड़ा है अभी हॉस्पिटल का सारा काम फ्री हुआ है चलिए आपका क्या मुद्दा रहने वाला है ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जिला अधीश भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने बताया कि मोहन राम जी चुनाव लड़ने नहीं चाह रहे थे लेकिन महिला आंदोलन हुआ ना कबड्डी उसमें मोहन राम जी ने गैर जिमाना बयान दिया था उससे क्या हुआ था नागौर की जनता जबरदस्त खिलाफ हुई और डर की वजह से अपना ही दावेदारी पीछे निकाल ली ओरिजिनल ये था तो देखिए कि यहाँ पर कई लोगों के कई सारे सवाल आ रहे हैं मुद्दे अपने बता रहे हैं ऐसे में जनप्रतिनिधियों के पास आप जाइए और ये जो तमाम सवाल यहाँ से उठ रहे हैं और जो नाराजगी भी देखने को मिल रही है उन तमाम नाराजगी और सवालों का आप इन जनप्रतिनिधियों से जवाब लीजिए बिल्कुल तो इन तमाम नाराजगी और सवालों का जवाब तो लिया जाएगा लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि आप लोग कहते हैं कि नागौर किसानों का जिला है यहाँ पर सबसे ज्यादा किसान पाए जाते हैं सबसे अच्छी खेती होती ऐसे में किसान का सीधा संबंध होता है पशु से और ऐसे में जब हम रास्ते से आ रहे थे तो हमने गौशाला देखी यहाँ पर पशुपालन के विकास को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है सरकारों ने कितना कुछ किया है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये जो लंपी की बात कर रहे हैं लंपी बीमारी में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लंपी जानवरों के लिए मोहन जी चौधरी ने पैसे दिए हैं और दूसरी बात जब चल चला था और कोरोना का टीका सबसे पहले भारत ने बनाया था और भारत के लोगों को बचाया था और सो दूसरे लोगों को दूसरे देशों को टीका की व्यवस्था करी थी और भारत में वो भी एकदम फ्री व्यवस्था और ये लोग मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये टीका मोदी का है टीका नहीं लगवाना नहीं लगवाना ऐसी अफवाहें फैली फिर उनको लगाना झटका कि कहीं अपन चले न जाए उसके बाद वो डर के मारे टीके लगाए थे यहाँ पे भी यही हाल था नागौर में नागौर अपने आप में सुरक्षित था आराम से लोग बाग घूम रहे थे कुछ भी यहाँ कोई संकट नहीं था न कोई यहाँ ज्यादा डेथ हुई सारा मामला भारत में सही था तो किसको श्रेय देना चाह रहे कि मोदी जी की वजह से यहाँ पर सारा मामला सही था मोदी सरकार ऐसी सरकार है जो पहली बार ये टीका का निर्माण किया कांग्रेस के राज में किसी तरह का कोई टीका नहीं हुआ हम हर बीमारी के बारे में विदेशों की तरफ जागते थे और आज भारत इस मामले में आत्मनिर्भर है हर चीज का इलाज है तो आपसे पूछा था यहाँ पर पशुपालन की स्थिति कैसी है आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना का असर ही नहीं हुआ क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार थी ये क्या बात है सर पशुपालन की स्थिति यहाँ पर कैसी है क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी गौशाला मौजूद है और ऐसे में यहाँ का जो रोजगार है आय का जो जरिया है लोगों का वो खेती है जो पशुओं पर निर्भर होती है देखिए जिस प्रकार मैंने पहले ही कहा था कि बयासी तिहासी परसेंट यहाँ किसान गाँव में रहते हैं और इनको भाजपा को तो कुछ पता ही नहीं है मैं कह रहा हूं कैंडिडेट तो चेंज करके कर लेते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा ये नागौर जिला वो जिला है जो पूरे राजस्थान के अंदर से अधिक एक तरफ जिलों का अनुदान और एक तरफ नागौर जिले का अकेले जिले का अनुदान बराबर आता है अशोक गहलोत जी ने जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तो तीन महीने का अनुदान चालू किया था दूसरी बार बने तो छह महीने का चालू किया था तीसरी बार बने तो नौ महीने का चालू किया अभी और चौथी बार बनेंगे तो बारह महीने का चालू करेंगे ये बताना चाहूँगा इनको और जो ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी हिंदू धर्म की गाय हमारी माता है इन्होंने क्या किया मुझे बताओ गायों के लिए हम सब करते हैं काम चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो गाय हम सब की माता है कोई बीजेपी अकेले की ठेके ले रखी है क्या कुछ नहीं इनके पास केवल बड़ी बातें करते हैं आज मैं आपको बताना चाहूँगा लंपी में सात सौ गौशाला से ज़्यादा गौशाला है यहाँ और गांव में भी गाय हैं इनको पूछिए है कि आपका कोई एक नेता बताओ जो नेता गांव में या कोई भी गौशाला में जाकर किसी ने निरीक्षण किया हो या उसकी व्यवस्था देखी हो हमने देखी है हमारे मंत्री जी यहाँ आए यहाँ दवाइयाँ सुचारू रूप से चालू की मैं आपको बताना चाहूँगा कई गौशालाएँ ऐसी थी कि लोगों ने कहा था कि ये गौशालाएँ चला रहे हैं वो बीजेपी के भी लोग हो सकते हैं जो संस्थाएँ है थी हमने कहा इसमें कोई पार्टी नहीं कोई राजनीति नहीं गाय कोई भी व्यक्ति हो चुनाव आता है उस वक्त की बात अलग है बाकी सबके लिए एक समान कार्य होगा रही बात आप कह रहे थे महंगाई रात कैंप की महंगाई रात कैंप में मैं इनको बताना चाहूँगा नागौर जिला सेकेंड जिला है राजस्थान के अंदर एक जयपुर फर्स्ट जिला है बड़ा जिला भी है नागौर जिला सेकेंड हर एक योजना में चाहे आप चिरंजीवी ले लो चाहे ये दो पशु बीमा ले लो लंपी में चाहे इनको चालीस हजार रुपये मिले उसमें ले लो चाहे बेरोजगारी अभी मेरे भाई ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है नागौर जिला उसी में भी सेकेंड है बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए मेरे पास पूरे आंकड़े पड़े हैं सबसे पहले इस भाजपा सरकार थी राजस्थान में हमने ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो तीन हज़ार और पैंतीस सौ रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और मिल रहा आज की डेट के अंदर ये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है बेरोजगारी भत्ते की आप बात कर रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी रोजगार के क्या कुछ अवसर नागौर में डेवलप करने की कोशिश की गई देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी आई है नागौर जिले का सबसे पहले रोजगार मेला नागौर के अंदर लगा और मैं इनको पूछना चाहूंगा कितने लोग है इनको भी पता इनके भी लोग लगे रोजगार लेकिन उसमें कोई ये तो नहीं ये कांग्रेस का ये बीजेपी का है ठप्पा लगा हुआ है इनको ये पूछिए कि जो दस महंगा कैंप की योजनाएं थी सबसे ज्यादा फायदा ये ले रहे ये इनमें क्या दिक्कत है लाइन में लगे हुए मोबाइल लेने के लिए और बाहर आके कहते हैं क्या किया कांग्रेस सरकार ने फिर मोबाइल ले क्यों लेके आए क्यों लेके आए ये लाइट का बिल माफ कराना चाहते हैं और फिर कहते हैं कांग्रेस सरकार ने किया चिरंजीवी का इन्होंने इलाज करवा लिया कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया लंपिक में जो गाय का मिला था मुआवजा चालीस हजार रुपये वो इन्होंने उठा लिया मैंने खुद ने देखा है इस नागौर जिले के जो टाउन हॉल के अंदर कार्यक्रम होते थे मैंने हर कार्यक्रम में मैं गया हूँ उसमें मैंने देखे हैं कई लोग जिन्होंने फायदा तो उठा लिया इन योजनाओं का लेकिन बोलते क्या है कि कांग्रेस ने क्या किया है ये जनता है ना ये आम जनता उनके लिए कांग्रेस भगवान से बढ़कर है उन्होंने हर एक व्यक्ति जो जनता के बीच में जाकर एक जो आज के युग के अंदर एक सामान्य व्यक्ति जो गांव में बैठा उसकी पीड़ा देखो इनके तो क्या है कि मोदी जी अमित शाह बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये बड़े उद्योगपति हैं उद्योगपतियों की पार्टी है किसानों को ये कुछ मानते नहीं है किसान आंदोलन हुआ क्या हुआ आप मुझे ये बताइए ना राजस्थान की आप बात कर रहे हो हिंदुस्तान आपने, में कितना आपने बार आपकी बात कर दी लेकिन मैं अपनी सहयोगी से जानना चाहूंगी कि यहाँ पर खुशबू एक बात हुई है रोजगार की और राज्य सरकार की योजनाओं की एक बार आम लोगों से जानिए कि क्या राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नागौर को मिल पाया है बिल्कुल ये ये तमाम सवालों के हिमाद्री जवाब ले जाएंगे जो रोजगार की बात हो रही है क्योंकि युवा रोजगार चाहता है तो रोजगार के कितने अवसर यहाँ पैदा हुए हैं रोजगार खूब मिले हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार की योजनाएं होती है हर योजना पे जैसे अभी गांधी जी वाले भाई गांधी हर ग्राम गरा, पंचायत में दो दो लगे हैं उनकी पूरी लिस्ट बन गई सर्वे हो गया वो बच्चे लगेंगे यहाँ गई चाहे बीजेपी हो कांग्रेस को तो रोजगार में कहीं कमी नहीं है टीचरों की कितनी वे कैसे निकल गई हॉस्पिटलों में सारी व्यवस्था हो गई रोजगार किसको बोलते हैं गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो सारे रोज़गार बेखूबी मिले हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में भाजपा गवर्नमेंट में किसानों को रोड पे घसीटने का और वो महिलाओं को रोड पे घसीटने के अलावा कुछ नहीं मिला ये इनसे जवाब ले लो कि घसीटा महिलाओं को क्यों क्या दोस्त था उनको मेडल लेकर गई इंडिया के लिए और किसानों को जिन किसानों पे देश की दूरी टिकी हुई है अस्सी परसेंट हम यहाँ बैठे हैं सब किसान के बैठे हैं अस्सी परसेंट नब्बे परसेंट दस परसेंट दूसरे हो सकते हैं कोई डायरेक्ट बिजनेस वाले बाकी नब्बे तो हम यहाँ बैठे किसान हैं दोनों साइड ही किसानों के बैठे हैं तो किसान की आप कह रहे हैं रोजगार मिला है सरकार में क्या वाकई में रोजगार मिला है हम जो भी एग्जाम करवाते हैं उसके बाद में पेपर रैप अप करके हम बेचते हैं जैसे ही अधिकारियों के साथ में तब तक तो सोशल मीडिया पे आ जाता है नाथी का पेपर कहाँ मिलेगा नाथी के बारे में तो इतनी फेल रही है इनकी जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाना नहीं आया कोई भी तरह की इनके पास में गोपनीयता नहीं रही मैं पूछ इसलिए रही हूँ की आप ही के मुद्दे हैं और ये पाँच साल में कितना विकास हुआ जानना चाहते हैं नागौर जिले के अंदर किसानों को आज तक पिछहत्तर साल हो गए किसानों को खेती करने के लिए पानी आज तक नहीं मिला बीजेपी वाले राय ये बलात्कार बात कर रहे हैं कभी किसी बात पर बात बला किसी किसी बात कर रहे हैं क्या आपने किसानों के कभी बारे में सोचा किसानों को पिछहत्तर साल से किसान बेचारा पैसा मर रहा है आपने कभी किसी कुछ नहीं बालतु बेस करने से कोई मतलब नहीं है सीधे मुद्दे पे बात करो आप कभी ये हो जाएगा कभी हो जाएगा टिकट चेंज कर लोगे उससे क्या होना किसानों के बारे में आपने कभी सोचा सर आपका क्या सवाल है पहले तो मैं सभी प्रतिभागियों को और दोनों नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर एक जो फ्री लेसेस फेयर जो डिस्कशन होना चाहिए बहुत ही हेल्दी वातावरण के अंदर रहा बहुत बहुत धन्यवाद मैं दो के बाद में जो टर्निंग पॉइंट आया था उनकी बात करता हूँ चौदह के अंदर मैं बीजेपी का वोटर था और ये सोच करके भाई ये कुछ परिवर्तन लाएंगे अब परिवर्तन लाने के लिए जैसे हम कोई किताब पढ़ाते मैं हायर एजुकेशन का टीचर हूँ तो हमारे एक संविधान एक पुस्तक है बाइबल कह लो गीता कह दो कुछ भी कह दो उसके कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं उस नॉर्म्स के हिसाब से अगर देश चलता है देन इज right. अगर उसको आप वॉलेट करेंगे तो देश अराजकता की तरफ जाएगा आज तो दे के बाद के अंदर जो तो स्थिति बनी है मैं कई बार सोचता हूं कि विकास से भी ज्यादा जरूरत है ब्रदरहुड आपस के अंदर प्रेम से भाईचारे से लोग कैसे रहे इस में है कि नहीं वो प्रेम वो भाईचारा अब वो है या हम आगे किधर जा रहे हैं वो भविष्य बताएगा लेकिन मेरी मन स्थिति में रेसिस आदमी हूँ मैं कोई पार्टी का कोई विशेष नुमाइंदा नहीं हूँ मेरे को एक जो चिंतन लगता जैसे मोहन भैया जी है यहाँ के विधायक थे जैसा कि हमारे भैया जी ने उन्होंने भी कहा था बहुत ही साफ सुथरे आदमी है कोई दाग वाग होने का सवाल ही नहीं लेकिन जनता के अंदर काम करने की जो इनिशिएटिव ने होनी चाहिए वो उस लेवल की नहीं रही और उस वजह से कई ऐसे गलत मुद्दों का साथ दे दिया जैसे सब जानते थे पूरा देश जानता था कि वे बच्चों के साथ पर जो अपमान हुआ था वो हर जहन के अंदर मेरे ये सब दोनों बराबर साथी है सब के दिमाग में ये था कि ये गलत हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी लाइन से जुड़ करके और उन्होंने उस आदमी का समर्थन किया जो सरे आम जिसको दिल्ली की पुलिस ने उसको जो अपराधी घोषित कर दिया उसके साथ बयानबाजी कर दिया तो वो चेंज का मूल कारण यही था चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि किस तरह से जो है विकास किया जा सकता है कौन से जो है अहम मुद्दे रहने वाले हैं मैडम इनको पता नहीं है किसानों किसानों के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए फसलें किसानों की उपज आज दुगुना दामों में बिक रही है दामो में खरीद हो रही है गेलो सरकार ने कांग्रेस के राज में युवाओं के सारे पेपर आउट और फर्जी यूनिवर्सिटिया खोल के फर्जी डिग्री तुरंत लेके पैसे फर्जी डिग्री लेके आओ और जॉब लग जाओ गवर्नमेंट में ये हो रहा है कांग्रेस में कुछ नहीं है न कोई विकास हुआ है किसानों के बारे में बात चली थी मेरे एक भाई ने कहा था कि किसानों के लिए क्या किया किसान ने हमेशा देश को दिया है कभी देश की सरकारों ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले किसी ने भी किसान को कुछ नहीं दिया सबसे बड़ा उदाहरण दे दूँ जिस मुद्दे से किसान आज फल फूल रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा था किसान क्रेडिट कार्ड योजना वो अटल बिहारी वाजपेयी की देन फसल बीमा अटल बिहारी वाजपेयी की देन किसान सम्मान निधि डायरेक्ट बेनिफिट टू तो फार्मर नरेंद्र मोदी की देन तो किसानों के लिए हमने तो सोचा नीम कोटेड यूरिया कर देना अशोक गहलोत के भाई पे यूरिया के आरोप लगे घोटाले घोटाले के के यूरिया यानी कि कुल देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर और, और जिस तरह से नशा की बात भी सामने आ रही है कि युवा नशा का आदि हो रहा है ये भी कई सारे इस तरह के मुद्दे भी रहने वाले रोजगार होगा इसी के साथ बिजली पानी हेल्थ हॉस्पिटल को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ काम किया जा रहा है तमाम मुद्दे रहेंगे हिमादरी आपसे चाहूंगी की लास्ट कॉमेंट आप यहाँ मौजूद अतिथियों से ले बिल्कुल तो देखिए यहाँ पर तमाम मुद्दे उठे तमाम सवाल यहाँ पर जनता ने किया आपने जवाब भी दिए लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में शिक्षा युवा रोजगार और किसान इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ आपका एजेंडा रहेगा पिछली बार कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे किसी पे खरे नहीं उतरी जनता को इन्होंने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस दिनों की इनको गिनती सिखाई लेकिन आज तक कर्ज माफ नहीं हुआ सर आपका एजेंडा बताइए फटाफट हम किसानों की आय मोदी सरकार ने कहा कि दुगुनी कर रहे हैं इस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं गरीब को मकान मिले इस योजना में बिना भेदभाव के सभी गरीबों को प्रधानमंत्री योजना का आवास मिल रहा है जहाँ तक युवाओं की बात है इन्होंने वादे जरूर किए थे भाई किसानों को हम नहीं विद्यार्थियों को हम वो लाभ देंगे या रोजगार देंगे लेकिन विद्यार्थियों को उन्होंने मारा विद्या... आप क्या करेंगे ये बताइए हम ये करेंगे भी जो, जो भी इन्होंने ये पेपर लीक के मामले करवाए पे, पेपर लीक के मामले हम खुलासा करेंगे आने के बाद में किन किन लोगों ने इसमें सम्मिलित थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे उनको जेल में डालेंगे तो देखिए ये एजेंडा रहेगा और साथ ही आपसे भी सर जानना चाहूंगी कि विधानसभा चुनाव नजदीक है क्या कुछ एजेंडा रहेगा युवाओं को लेकर रोजगार को लेकर और किसानों को लेकर देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि शिक्षा के बारे में जिस प्रकार अभी सरकार के अंदर अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले ये इनको दर्द है कि गरीब व्यक्ति का बेटा उस स्कूल में इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़े क्यों पढ़े इंग्लिश मीडियम में और इनके अलावा धीरे धीरे सब होगा इनके पेट में ये दर्द है और इन्होंने इन्होंने जो मैं आप आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने ईडी भेजी गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर इन्होंने, 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 इन्होंने इनका चोरी आपका एजेंडा फटाफट फड़ बता दी मैं बताना चाहूंगा कि चिकित्सा के अंदर शिक्षा के अंदर सड़क पानी बिजली मूलभूत सुविधाएं जो भी जनता की है उसमें अच्छा काम किया और आने वाले दिनों में हमारी सरकार सौ बनेगी और इस डबल स्पीड से शिक्षा चिकित्सा में काम करेगी और मैं बताना चाहूंगा आपको कि गोविंद सिंह के घर ईडी गई क्या इला दो पावड़ा क्या मिला ईडी को और दम है इतनी हिम्मत है मतलब तो आपका, तो आपका एजेंडा इस विधानसभा चुनाव में विकास का रहेगा ठीक है तो देखिए आज हम नागौर में मौजूद थे और आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया की आप इस बहस बीच बाजार में शामिल हुए जनता के सवालों के आपने जवाब दिए और अब आने वाले समय में जनता तय करेगी कि गेंद बीजेपी के पाले में होगी कांग्रेस के पाले में होगी या तीसरे मोर्चे के पाले में होगी तो जनता के सवाल थे जनप्रतिनिधियों के जवाब थे नागौर की जनता ने मुखर होकर अपनी बात रखी और इसी के साथ बहस बीच बाजार में फिलहाल के लिए इतना ही बने रही है राजस्थान के साथ नमस्कार